हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग पे। अभी हम लोग दो पैर हो गया, दो पैर में बना रहे। तो सुबह को नहीं बनाया था, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था बोल के ना। मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और देखो मम्मी अले पनीर पल की चटनी बनाने के लिए आया। हिचकी आ गया इसका। हिचकी हिचकी आ रहा है। थोड़ा देर रुक जाओ। ना बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है। अच्छा, अच्छा यानी कि मंजिता बड़ी हो रही है इसलिए हिचकी आ रही है। देखो पूरा काटने में लग गया मम्मी। और यहाँ पे दीदी देखो, दो तो दीदी आया था, उसके साथ आया था क्या मम्मी आप? अच्छा। देखो मम्मी लोग चटनी बनाने के लिए ड्राई फिश को आग में भी दे दिया, आग में भी दे दिया। देखो अभी चटनी बनाने के लिए ड्राई फिश को छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे रख रहे हैं ओकुली में ना मम्मी। देखो पूरा काटता है, अच्छे से कर रहे। और यहाँ पे देखो एनजी का दीदी भी हेल्प कर रहे। देखो पूरा ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पे देखो एलिपन एप्पल, पहले ये ड्राई फिश को करेगा, उसके बाद एलिपेन एप्पल को ना, एलिपेन एप्पल को मिक्स करेंगे। हाँ, और मिर्ची भी खोटेंगे ना। यस, वो भी ये वाला उकली में। यस, और यहाँ पे देखो मामी यहाँ पे है, पूरा देख रहे। खाने नहीं देता ये लोग। स्पाइसी आजकल खाना बंद कर दिया मैंने। हाँ देखो पूरा पोटा भी है ना। देखो इतना तगड़ा है, मम्मी निकालने भी नहीं सकते। दूसरा वाला इसका अंदर। हाँ निकाल सकते हैं, इसमें बस दो तो लेयर मिलते हैं। देखो इतना पोचा पोचा है, बाहर में इतना सुंदर दिखाई मिलते है, अंदर पूरा पोचा है ना। अभी देखो मम्मी खराब खराब। हाँ मम्मी थोड़ा सा खाके दिखेगा ना, खाके दिखेगा, खाने मन कर रहा है। Water slide on. दिला के खाएगा। वाह मम्मी अभी काट रहे, देखो कितना मीठा है। अच्छा देखो पूरा काट रहे मम्मी। नमक भी चाहिए इसमें। नमक अच्छा यहाँ पे है तो नमक, नमक और मिर्ची, नमक दो और पूरा दो और ज्यादा होगा। एलिपन एप्पल इस तरीके का काटते पतला पतला करके, मामी भी नहीं जानते और दादी भी नहीं जानते है ना, इसलिए मम्मी काटते। देखो वो पतला पतला करके। हाँ इससे देखो यहाँ पे पूरा पोचा है ना, पर बहुत स्वादिष्ट है। मामी तो पूरा एक काट के खाया था और दूसरा खा रहे। देखो वो रहा, टेस्टी है पूरा ना। मीठा है, मीठा मीठा भी है, टेस्टी भी है और खट्टा भी है। काट के भी हो गया, बस थोड़ा सा ही करते यहाँ पे दो तो बस क्या। देखो इसको रख दिया ना मम्मी। अच्छा देखो पूरा यहाँ पे मिर्ची खोद रहा है दीदी। देखो मम्मी पूरा मिक्स करने में लग गया मिर्ची का साथ। और ये है झाल, झाल लगने से इसको खाएगा हम बोला था ना मम्मी। देखो खा के देखो तो कैसा है। स्पाइसी अच्छा। और यहाँ पे देखो मामी लोग पूरा पपीता लेके आए दो। लास्ट हो गया ये देखो। अभी मैं भी टेस्टिंग कर रहा आया। टेस्टी वाइट तो मामी पपीता खाएगा ना। वाव अच्छा है तो इसका कलर देखने में, पर इसका हालत खराब। बहुत टीका है रे, बस थोड़ा सा ही खाएगा हम, हो जाएगा उसके बाद टॉयलेट खुश हो जाएगा। आया
पूरा मम्मी लोग खा रहे टिक्का है ना, बहुत ज्यादा मिर्ची डाला है ना इसके, लेकिन भी टेस्टी हुआ है। हाँ, हम अभी नहीं खाएगा, हार मान लिया। मामी का साथ हम भी पपीता खाएगा। नहीं देगा हम। खेचे जो है दो तो पपाया लेके आया था, यहाँ पे एक तो रख दिया है और छोटा वाला जो है मैंने काट दिया, वो लोग खा रहे है चटनी, मुझे खाने नहीं मिल रहा है। पहले मैं वीडियो में बोल रही थी कि मैं खाऊंगी खाऊंगी, अभी बस देखते ही रहूंगी। मंजिता खा रही है, मंजिता अकेले अकेले खा रही है, पानी बता लेते हमको, खाओ तुम लोग एकदम बढ़िया तरीके से। लम्बी भी अभी अभी उठ चुका है, इसका शकल भी पूरा देखो ना, क्या हो गया निंजा, उधर छोटू को देखो एकदम मजे से रह रहा है, उधर ऐसे लाल और ऐसे अरे लाइट भी नहीं है, पूरा ठंडा पानी पीने का मन कर रही है मुझे। एक तो गांव में आइसक्रीम वाला आया था, हम लोग का साइड में आया ही नहीं, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है बहुत ठंडा ठंडा, और ये लोग पूरा मजे से खा रहे हैं चटनी। वाह, मंजू था भी खाएगी हाँ? ना ये चटनी नहीं है, चटनी नहीं है ओ। ये लोग तो पूरा चटनी खा रहे हैं और मैं बच्चों की तरह जो है बिस्किट खाऊंगी, क्या ही कर सकती हूँ, अभी जो मैं पपाया छिला था ना इतना खाने मन हुआ है, बाप रे पूरा ये लोग आराम से खा दिया। क्या एक तो खाओ, नहीं मारे नारे मंजू तक खींचो तो इसको खींचो। हाँ हम खाएगा बिस्किट, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मेरा खजाना में भी खत्म हो गया, लेमन तो हम भी खाएगा। अभी हम लोग खा भी लिया है चटनी, और खाने का साथ साथ मामा देखो छोटू को नहला रहा है, देखो शैम्पू भी लगा दिया ना, और ये पानी पता नहीं क्यों गंदा आ रहा है ना, वो बाथरूम पे तो पूरा सफा से आता है, देखो देखो यहाँ पे पूरा सफा से आता है, और इधर में क्यों गंदा से आते है पता नहीं, पूरा भाग रहे छोटू देखो, हो गया ओ अच्छा सपा पानी से नहलाएगा, अभी पूरा भाग रही है छोटू, ठंडा लग रहा है इसको भी, ठंडा पानी से नहला रहे ना इसलिए। अभी शाम भी होने को चला है दोस्तों, दीदी और मंजिता जो है वो लोग पूरा सो रहे हैं, ऐसे दिन भर कुछ भी नहीं है करने के लिए तो बोरिंग लगती है, और मेरा तबीयत जो है दिन ब दिन ऐसे कमज़ोर होती जा रही है, तो पता नहीं बेबी जो है कब को निकल आएगा। अभी बस ऐसे जितना भी हो पाता है मैं अपना बॉडी पर रेस वगैरह ज़्यादातर कर लेती हूँ, तो आज मैं सुबह से लेकर पूरा रेस कर रही थी, इसलिए जो है ब्लॉग भी नहीं बनाया सुबह में, तो मंजिता को दे दिया था। अभी थोड़ा सा यहाँ खेत पर आई हूँ, लेम्मू जो है काम कर रहा है इतना कड़कती धूप में, वो देखो उधर में छोटू को नहला दिया था, देखो ना फिर से गंदा हो रहा है, इसका आदत ऐसी है, काबूचे को तो नहलाने के बाद उसे बांध के रख देते हैं, अभी छोटू के लिए जो है एक तो छोटा वाला चेन लाना पड़ेगा, और इसको आदत भी नहीं है, और पतलू मैन यहाँ पे देखो पूरा काम कर रहा है, बढ़िया है। ये अनारस का पौधा खुजली हो रहा है, बाप रे। अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ दोस्तों, लेमो ने जो है खेत में काम किया था, बाप रे पूरा उसको जो है इतना खतरनाक से एलर्जी हुआ है ना, बाप रे डेंजर, उसका वीडियो में देख लेना, इतना डर लगा ना मुझे, जैसे काम कंप्लीट हुआ उसके बाद वो नहा लिया, उसको जो है डिटॉल लिक्विड का पानी से नहाना पड़ा है, पूरा बॉडी में पूरा इतना डेंजर हो गया ना बाप रे, मैं जिंदगी में पहली बार इससे एलर्जी देखी हूँ। तो अभी शाम भी होने को चला है, अभी क्या ही करेंगे, मौसम भी पूरा धुंधला करके रखा हुआ है, मैंने जो है अपना हेयर भी वॉश कर लिया, इतनी धूप दिया ना आज सुबह से लेकर पूरा इतना खतरनाक से धूप दिया, बहुत अच्छा लगा, कपड़े वगैरह सब सूख गया मेरा, सुबह में भी मैंने कपड़े वॉश की थी,
अभी दीदी ने जो है आंगन वगैरह भी सफा कर दिया है, पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। और मम्मी जो है तो अंकल का घर पे पूजा के लिए गई थी, अभी तक वहाँ से आई नहीं, तो वो ड्राई फिश लेके आने के लिए बोली थी। मैंने ड्राई फिश खत्म हो गया हम लोग का ड्राई फिश, और ड्राई फिश भी इतना महंगा हो गया ना, पहले में कितना 400 ऐसे 380 ऐसे में मिलता था, अभी 470 हो गया। और ये लड़की नहाने के बाद देखो फिर से डॉगी से खेल रही है, एक बार ना ये बात नहीं सुनती है, देखो हॉस्टल जाने वाली है, एक बात भी नहीं सुनती आजकल। हाँ देखो इसका ड्रेस किस तरह, पूरा एलर्जी हो गया था, डेंजर। नानी भी आ गया, पूजा पूजा में गया था, और साथ साथ में देखो ड्राई फिश भी लाए। अच्छा 2 किलो अच्छा सपा करेगा, अभी पूरा घन मार रहे है ना मम्मी, मंदिर का घर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखो नानी पूरा ड्राई फिश को अच्छे से सफा कर रहे, और इसका माथा और इसका पूंछ को भी काटेगा, देखो ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे, हाँ यहाँ पे ढाल रहे। देखो मामी लोग भी आ गया खा के, मुड़ी लेके आ चुकी हूँ। अच्छा खाना खाने के लिए गए थे, कुछ भी सब्जी नहीं है, चावल भी नहीं है। और अच्छा। मामी लोग का थोड़ा सा नया वाला किचन जो है देख लिया, बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ हम लोग पूरा खेला था, खाएगी चलो खिला देती हूँ मुड़ी। हाँ करो, हाँ चबाओ, गाबुचे को डर गया था। अच्छा है ना ये वाला, हम ना जब गाबुचे ना पूरा बोल रहा था, पूरा डर गया था, भाग के चला गया। देखते देखते पूरा नानी सफा करके भी हो गया, देखो पूरा अच्छा से सफा करके ये वाला बकेट में रख दिया, यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बचा है, देखो इतना ज्यादा लॉस होता है ना। हाँ, माथा इतना ज्यादा पूछ भी ना। इसमें कम से कम कितना, एक पुआ चला गया 2 किलो से, इस तो ऊपर रखनी पड़ती है, ये हम लोग का मसाला है ना, मसाला का जगह पे हो जाएगा। देखो मामा काम से भी आ गया, और कद्दू का बीज देखो ज्यादा दे बिगाड़ रहे, दीजिए भरे इतना सारा है बीजन के लिए, बीजन के लिए। ओ अच्छा बीजन के लिए, ओ यहाँ पे नानी तो सफा करके भी हो गया, यहाँ ये वाला बकेट में है ना, देखो इतना ज्यादा निकला, पूरा लॉस हो गया। एक पुआ जैसा होगा। हाँ मामी पूरा मूड़ी खाने में लग गया, फिनिश कर दिया। अच्छा एक कटोरा फिनिश, मम्मी तो बिस्किट खा रहा था, खाने नहीं सका। मैं तो सोच पे डूबी हुई हूँ कि क्या सब्जी बनाऊं, मेरे इस सोच है ना दिमाग खराब हो गया, सब्जी नहीं है क्या बनाऊं, मैं सोच रही हूँ बैठ के कि क्या बनाऊं। हाँ वही तो, कुछ भी सब्जी तो, नहीं है ना, तो रिटायर हो गया उसका, तो सोचना भी बंद हो गया, काम नहीं है उसका, अभी मेरा बारी है क्या बना के खिलाऊं सबको। हाँ वही तो, सब्जी नहीं है ना, आज को सब्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दाल खाओगी? ना नहीं खाएगा। हमको ना दाल बोलने से ना पूरा बोमी जैसा लगता है, अभी हम दाल खाने नहीं सकते, इसलिए दाल ही बनाऊंगी। नहीं मामा का एलर्जी ठीक हो गया? ठीक हो गया। अच्छा रात हो गई है दोस्तों, अभी डिनर बना रहे हैं, दीदी जो है यहाँ पे
पपाया को छील रही है, पपाया का सब्जी खाएंगे क्योंकि सब्जी नहीं है ना कुछ भी। और यहाँ पर जो है मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, तो पपीता को पकाने के लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पानी किया क्या दे दिया है मैंने। और मंजिता भी पूरा काम कर रही है, ये देखो ये भी पूरा लड़की है ना इसलिए सिखाना चाहिए, हो जाएगा हाँ। पूरा फिल्टर वाला पानी, और आज जो है कारण नहीं है, पूरा सभी को गर्मी लग रहा है, बाप रे सबसे ज्यादा मुझे इतनी गर्मी लग रही है बाबा। तो फैन चलाओ। हाँ चलाएंगे। पहले बोल रही थी कि सब्जी कुछ भी नहीं है, अभी देखो यहाँ पे भिंडी है, पाइनएप्पल है, जमीन का तारा, मूली है, तो ये नहीं खाएंगे, बस भिंडी पकाऊंगी। और दीदी बाहर पर सब्जी रेडी कर रही है। हाँ यहाँ पे देखो पपाया पूरा बड़ा बड़ा करके ना काटा है, आज ऐसे ही खाएंगे। हाँ और यहाँ पे अंडा बॉयल दो थू है, मामा खाया था, अभी मम्मी खाएगा ना। देखो पूरा सब्जी नहीं है ना आज को। यहाँ पे देखो पूरा डाल दिया यहाँ पे, वाह मिर्ची भी डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा बस थोड़ा सा है। अभी देखो मम्मी पूरा भिंडी काटेगी, बस करना पड़ेगा। और ये लोग मम्मी फेंकेगा क्या चला, ये वेस्ट तो फेंकना पड़ेगा। हाँ। ये तो उसमें पपाया सब्जी में डालेंगे। हाँ। उसको खा सकते हैं। हाँ। तेल और उसको छील के यहाँ पे रखेगा ना। हाँ। ये देखो ना अंदर में। हाँ पूरा पोचा हो गया ना। हाँ। अभी ठीक लग रहा है देखने में, ये ना बदसूरत है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। हम पहली बार देखा है इसको, हम देखा है ना पर इसको नहीं खाए, आज को ही खाएगा। हाँ कुछ कुछ चीजें है मंजिता आज तक उसका लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इन 7 सालों में वो मतलब 1 साल हो गया हॉस्टल में, तो इस बीच हम लोग ने कुछ नई नई चीजें एक्सपीरियंस किया है, तो मंजिता को खाने नहीं मिला है, पूरा व्हाइट है ना। हाँ इसलिए देखो इंसान भी ऐसे होते हैं, बाहर से देखने में काला बदसूरत लेकिन अंदर में दिल बहुत साफ होता है, ठीक उसी तरह ये। हाँ देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मामी तो पूरा काटने में लग गया, बिंदी को ऐसे कटिंग करनी पड़ती है। हाँ इस तरीके का देखो ऐसे ऐसे ना। और यहाँ पे बहुत ज्यादा है पर ये कटोरे में हो जाएगा ना इतना। फिर देखो पपाया का सब्जी भी पूरा उगल रहा है, और यहाँ पे देखो बिंदी पूरा यहाँ पे है, मामी काट के भी रख दिया यहाँ पे, बाद में बनेगा, पहले ये चावल भी पक रहे ना यहाँ पे, इसलिए वाला तो टूट गया इसलिए बस दो ही पकाने के लिए। और देखो पूरा उगलने लग गया, और बाहर में मम्मी देखो पूरा तेल और उसको धो रहे हैं, इतना ही निकला है। अच्छा पूरा पोचा पोचा है ना, उसको फेंक दूंगी। खराब बोलो पोचा नहीं, वो हम लोग अपने लैंग्वेज में फोजा कहते हैं। हाँ फोजा कहते हैं, हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो खराब सरा हुआ। और देखो ड्राई फिश को मामी पूरा काट रहे, आज जो तेरी नानी ने लिखी आई थी ना। हाँ। ये ड्राई फिश हम लोग का मसाला है, आप लोग जो डेली सब्जी में मसाला तेल वगैरह यूज करते हो वैसे हम लोग का भी, ये ड्राई फिश के बिना अधूरा है हम लोग का सब्जी। हाँ। क्योंकि हम लोग जो है ज्यादा ऑयली सब्जी नहीं खाते है, मीट मच्छी तो खा देते है, तो ऐसे लोकल ताजा वाला सब्जी जो है हम लोग अपने ड्राई फिश के साथ, ये हम लोग का एक्चुअली ट्रेडिशन में है, जितने भी हम लोग का ट्राइब्स है जब सभी जो है श्रिम्प पेस्ट एंड ये ड्राई फिश वगैरह ज्यादातर खाते हैं। हाँ और चटनी में भी देते हैं ना। हाँ। कुछ भी चटनी हो ना। हाँ देखो अभी पूरा इसको भिगो के रखना पड़ेगा थोड़ा नरम होने के लिए। हाँ। क्योंकि इस बार जो आया है ना पूरा हार्ड है, ये देखो। हाँ। ज्यादा नरम नहीं है। हाँ इसलिए पानी में भिगो के रखा है। देखो मम्मी पूरा काट के भी हो गया। और आप लोग को एक चीज बताओ, ये खुजली होने से ना खट्टा वाला देने से खुजली नहीं होता है, इसलिए हम लोग खट्टा वाला देगा ना, उसका बाद खुजली नहीं होगा, ये खुजली होता है। देखो अभी काट के भी हो गया गोल गोल करके पूरा पतला पतला। पपाया का सब्जी रेडी हो चुका है, ये देखो कटोरे पर निकाल दिया है, आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो जरूर कमेंट करना, हम लोग जो है ऐसे खाते हैं। तो अभी इसको जो है यहाँ टेबल पे रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ज्यादा गर्मा गर्म इसे दब के नहीं रखते हैं हम लोग सब्जी वगैरह को, टेस्टलेस होती है। और दीदी अभी फिर से कौन सा सब्जी को पकाएगी, तेरो रूट्स को यहाँ पे देखो, तेरो रूट्स और ये भिंडी,
हो जाएगा इसी के साथ डिनर। यहाँ पे देखो पूरा नेचुरल हवा खा रहे हैं मामी, लोकल पंखा, ये हम लोग का ट्रेडिशनल वाला पंखा। तेरा हाँ। मामू क्या बोल रहा है पता है? हाँ। लाइट है, हम लोग का बैटरी भी चार्ज है, वो फैन को क्यों ऑन नहीं किया है बोले, तो हम बोल रहे हैं उसको लोकल वाला अच्छा होता है। और मेरा पाव पूरा फूल चुका है देखो। हाँ। ना उंगली इतना मोटा मोटा हो गया ना। हाँ, बहुत मोटा मोटा हो गया, पूरा डेंजर हो गया, पूरा फूल गया। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब बेबी जल्दी आने वाला है। इसलिए तो फूला है ना। हाँ, हाँ। उसका सब्जी भी हो गया क्या मम्मी? ये होने वाला है, मैंने अभी इसमें बेसिक लीफ दे दिया। अच्छा, यहाँ पे बीन्स देखो, ये सबसे लास्ट में बाकी है, पहले इसको होने दो ना। हाँ। चावल भी हो गया देखो। हाँ, हाँ, हो गया। मंजिता को बहुत भूख लग रही है बोले। हाँ, हमको बहुत भूख लग रहा है। मंजिता को जो है भूख लग रही है, तो दीदी ने जो है सबसे पहले इसको दे दिया, क्योंकि हम लोग जो है सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं बस, दोपहर को कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसे फ्रूट्स वगैरह तो खा देते हैं बस, ऐसे लंच वगैरह नहीं करते हैं। तो मंजिता जो है अभी इसका बारी, सबसे पहले डिनर ये कर रही है, और यहाँ पे सब्जी वगैरह भी निकाल दिया है। लास्ट में दीदी जो है भिंडी का सब्जी को पका रही है, तो वहीं से भी खाएगी। खाना खाने में लग गई, थोड़ा इसको खा के देखते तेरों उसको। वाह, टेस्टी हुआ, मम्मी का हाथों में पूरा जादू ही है। मामी लोग भी अभी खाएगा ना। हाँ। भिंडी भी पक रहा है वहाँ पे, अभी पक जाएगा। रुको, वो तेरे रूप में थोड़ा मिर्ची ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें भिंडी में कम डाला है। हाँ, ज्यादा आने से भी टेस्टी हो जाता है, झाल भी है और टेस्टी भी है। आया, हम लोग जो अपने बच्चे को ज्यादा ऐसे मीट मच्छी नहीं देते हैं, बस अपना लोकल स्टाइल, लोकल डिश जो है खाने में उसका आदत कर देते हैं। हाँ, हम लोग मंजिता भी आदत हो गई। हम लोग ज्यादा लोकल खाते हैं, मीट मच्छी नहीं खाते ना। लोकल वाला मीट मच्छी खाते, ज्यादा बॉयलर वाला नहीं खाते ना। हमको तो पूरा टीका लग गया। मंजिता के साथ साथ हम भी आ चुके हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो गया, तो दीदी ने जो है एकदम फटाफट से बना दिया है। और आज का सब्जी देखो, तीन सब्जियां है, बहुत ही टेस्टी हुआ है। सबसे ज्यादा ये वाला, मंजिता बोल रहे कि ये वाला पूरा उसको जो है टीका लग गया। चलो अभी खा लेते हैं डिनर, बढ़िया से अभी खाएंगे। ये डिनर करके जो है सोना पड़ेगा, लाइट भी नहीं है, बस हम लोग का बैटरी जो चार्ज हुआ है ना उसके कारण पूरा रोशनी घर पे। डिनर वगैरह भी कर लिया है दोस्तों, सभी गए हैं अपने अपने रूम पे, तो मुझे भी नींद लग रही है, अभी मैं भी जाऊंगी अपने रूम के। और क्योंकि मैं दिन भर रेस्ट कर रही हूँ, फिर भी मैं दिन भर सोती नहीं, तो ऐसे अगर मैं सोऊंगी तो मेरा जो बॉडी है पूरा एकदम थकान सा लगता है ना, तो दिन ब दिन मेरा एनर्जी जो है डाउन होती जा रही है, पता नहीं बेबी जो है कब को निकल आएगा। तो ऐसे पेन जो है अचानक से होती है, ज्यादा ऐसे लगातार नहीं, तो बस आप लोग जो है प्रे कर देना मेरा जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल हो और बेबी जो है सही सलामत से हो। तो फिर से मिलेंगे आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।